गुड मॉर्निंग साथियों, मित्रों, छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएलएड परीक्षा 2023 की शैक्षणिक अभिरुचि, हम अगला जो क्लास है प्रतिदिन प्रातः 8 बजे की हमारी क्लास चलती है, तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं शैक्षणिक अभिरुचि जो कि क्लास 3 है साथियों, ठीक है। क्लास 3 में आज हम चर्चा करेंगे वर्णमाला परीक्षण पर, अल्फाबेट टेस्ट। वर्णमाला परीक्षण आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, बिल्कुल सटीक तरीके से, शॉर्ट तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। और आप सभी को मैं बता दूं साथियों, ये जो आपका चैप्टर है वर्णमाला परीक्षण, यहाँ से आपका 3 नंबर के प्रश्न बनते हैं। जी हाँ, देखिए, हम प्रतिदिन आपके लिए क्लासेस ला रहे हैं और जो भी क्लासेस हम आपके लिए ला रहे हैं उससे क्वेश्चन बनता ही है, समझ रहे हो ना। तो हम उसी टॉपिक को लेकर चल रहे हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है अच्छे से हो सके भाई, ठीक है ना। चलिए, क्लास 3 चलेगी आज, वर्णमाला परीक्षण पर हम बात करेंगे, ठीक है, कुछ ट्रिक्स टिप्स पर चर्चा करेंगे। चलिए भाई, सीधे वीडियो पर आते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करें वर्णमाला परीक्षण होता क्या है। तो देखो, चूँकि अल्फाबेट लेटर्स जो है आपके इंग्लिश में होते हैं, ठीक है ना, जिसमें 26 अक्षर होते हैं, दैट मीन्स 26 लेटर होते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में कुल 26 अक्षर होते हैं, आप सभी साथी जान रहे हैं। इसके ही एक क्रम को क्या बोलते हैं भाई, वर्णमाला बोलते हैं अंग्रेजी का, ठीक है भाई। अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज के जो 26 अक्षर है उसी के एक निश्चित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है, इतना याद रखेंगे सभी साथी, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है, देखो भाई, अब ये जो वर्णमाला के अंतर्गत कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम बिल्कुल क्रमवार इसको रख दिए भाई, वहीं से आपके प्रश्न आते हैं, ठीक है। देखो, बात करें फर्स्ट की, शब्द कोश पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, शब्द निर्माण पर आधारित प्रश्न आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला स्थिति पर आधारित, आगे पीछे जो क्रम रहता है ना उसके आधार पर, ठीक है भाई, औपबंधिक अक्षर श्रृंखला पर आधारित और शब्दों के सार्थक क्रम पर आधारित, ठीक है। तो ये 5 तरह से जो प्रश्न हैं आपके अल्फाबेट टेस्ट अर्थात वर्णमाला टेस्ट में पूछे जाते हैं भाई। अब हम पहले बात कर ले यहाँ पर ट्रिक की, ठीक है। तो ट्रिक की बात करें, देखो, ये जो आपको एक डिब्बा जैसा शो हो रहा है ना साथियों, देखो ई जे ओ टी वाई, इसको आप कैसे याद रखोगे, ई ज्योति, याद रखना ई जे ओ टी वाई भाई, मतलब ई ज्योति, ई ज्योति, ऐसा दिमाग में बैठा लेना, बहुत सरल है भाई, ई ज्योति, ई ज्योति। अब देखो, ऊपर को ई ज्योति याद रखो और नीचे को 5, 10, 15, 20, 25, 5 का पहाड़ा याद रखो 25 तक, ठीक है भाई, क्योंकि 5 डिब्बा है ई ज्योति और 5, 5, 6, 25, ठीक है ना, ये तो ट्रिक है। और जब भी आप पढ़ोगे बायस इधर से ऐसे जाएगा भाई, है ना, याद रखियो, इधर जाएगा, ठीक है भाई, हाँ ये याद रख लेना। अब चलिए, अब हम आते हैं, देखो भाई, ये चीज़ें तो हमारा हो गया है, अभी हम आएंगे आपका, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में देखो 3 तरीके के मेथड्स यूज होते हैं, चूँकि हमने ट्रिक बताया, कुछ और तरीका भी आप लोग जान लीजिए कैसे कैसे आपका क्या का यूज होगा, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांतिक मान निम्न होते हैं, देखो जैसा मैंने अभी बताया ना आपको, ई ज्योति 5, 10, 15, 20, 25, देखो ई जो है आपका शो हो रहा होगा, ई मतलब 5, उसके बाद जब आपका एच आएगा तो आप जान लोगे ई के बाद 2 बार आ रहा है, ई एफ जी एच मतलब 8 आएगा, ऐसा आप उसको पकड़ लोगे ना, इसीलिए बीच बीच के शब्द को लेके एक ट्रिक बनाया गया है, 5, 10, 15, 20, 25 ई ज्योति। जैसे देखो जे, जे का 10 आ गया है ना भाई, यहाँ पर एम आ जाएगा तो 13 हो जाएगा, के एल एम, ऐसा करके आप काउंट कर सकोगे तुरंत हो जाएगा। अब ओ का 15 आएगा, देखो यहाँ पर ओ का 15 आ रहा है ना भाई, और टी का 20 आ रहा है और वाई का यहाँ पर 25 आ रहा है, दैट मीन्स इसी फॉर्मूले पर आधारित है आपका, इसी अल्फाबेट के क्रम पर आधारित है आपका ई ज्योति का जो फॉर्मूला है,
ठीक है भाई, यहां से आपको कोई परेशानी नहीं है ना, चलो ठीक है। इसमें सेकंड वाला वही है जो ऊपर में है, उसी को फॉर्मूला रूप में सेकंड में यहां पर रखा गया है भाई। देख सकते हो यहां पर क्रमांतिक मान को इज्योति सूत्र से आसानी से याद किया जा सकता है, जैसा कि आपको चित्र में शो हो रहा है। ठीक है, इतना तो आपसे बन जाएगा भाई, समझ में आ गया होगा। अब थर्ड इसमें आ जाओ, क्या कहता है पहले उसको देखो। देखो भाई, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी दो अक्षर जिसके वर्णमाला क्रमांतिक मान आएगा, मान का योग 27 हो जाए, दोनों अक्षर आप एक दूसरे से विपरीत अक्षर होते हैं। देखो कैसे, योग कितना आ जाए बोल रहा है, 27 आ जाए। कैसे, अब यहां देखो, ए ए का उल्टा जेड है भाई, इधर से शुरू उधर से लास्ट, बी दैट मीन्स वाई, सी मतलब एक्स, सी मतलब तीसरा स्थान, तो पीछे से तीसरा स्थान एक्स आ जाएगा। समझ रहे हो ना, इसको याद रखो, इस तरीके से भी आएंगे। ठीक है भाई, अब इसको आपको रखना कैसे है, देखो दोनों का योग 27 आना चाहिए, तो वही उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, देखो यहां पर एक का मान ये शुरू वाले में देखो एक है, ठीक है भाई, और जेड कितना है 26, तो 27 आ गया ना, आ गया ना। बी मान दो है और वाई का मान 25 है, 27 आ गया ना, सभी आएगा भाई, ऐसी सभी आएगा। ठीक है, मान लो हमको यहां पर बताना है सी, मान लो हमको यहां पर सी बताना है भाई। ठीक है, अब हमको पता है सी का मान 3 होता है, ठीक है ना, सी का मान 3 होता है हमको पता है, तो आप क्या करो यहां पर 3 3 में कितना जोड़ोगे, तो 24 आएगा भाई। देखो तो 27 आएगा, तो 24 जोड़ोगे, है ना। अब यहां पर 24 जोड़ोगे तो 27 आएगा, तो 24 मतलब एक्स, तो यहां पर एक्स आ जाएगा ना, सी का मान एकदम सटीक सा है भाई। अब यहां पर आ जाओ, मान लो यहां पर एम एम जैसे जे ओ यहां 15 है, ठीक है भाई, ओ का मान कितना है यहां पर 15 है। अब यहां पर 15 में कितना जोड़े, इसका एम का उल्टा आपको बताना है ना पीछे से, ठीक है, तो 15 में कितना जोड़े कि 27 आ जाए, 15 10 25 और 2 27, मतलब क्या जोड़ना है भाई आपको, 12 जोड़ना है। आप देखो 12 जोड़ना है, मतलब यहां पर 10 क्या है, जे है ना भाई, के एल एम, दैट मीन्स वहां से आपको लेना है ना, ये विपरीत क्रम है, हमेशा याद रखना आपको, उल्टा आप कर लोगे इसको, आप यहां से देख लो भाई। ठीक है, ये वाला तो आप बिल्कुल ना लिख के रखना, जब आपके पेपर में आएंगे ना तो वो नीचे रफ कार्य का जगह रहता है, उसमें तो आप बिल्कुल लिख के रखना, ठीक है भाई। उसके बाद ये वर्णमाला टेस्ट से जुड़े हुआ आपका जो प्रश्न है आसानी से सॉल्व हो जाएगा साथियों, ठीक है, कोई इशू नहीं होगी भाई, तो बिल्कुल आप सभी टेंशन नहीं लेंगे, सरल है। चलो देखो यहाँ कुछ प्रश्न दे रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसको तो आप समझ गए ना, कुछ ट्रिक्स को देखो, नीचे दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में सजाइए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो वर्णमाला या शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा, तीसरे स्थान पर जो आएगा उसको आपको बताना है। देखो भाई, वर्णमा एल आएगा सबसे फर्स्ट में, ये तो कन्फर्म बात है, ए भी आएगा उसके बाद फर्स्ट में ना, एल ए, उसके बाद सी, हाँ ये वाला पहले आएगा, ये कन्फर्म बात है, ठीक है भाई। उसके बाद एल ए सी, सी के बाद क्या आएगा, एस टी, ये वाला दूसरा आएगा, कन्फर्म बात है, ठीक है भाई, लेकिन हमको क्या बताना है, तीसरे स्थान पर जो आएगा, अब एस के बाद टी आता है तो लेटर इसका उत्तर आ जाएगा ना, यही तो तीसरे स्थान में आ रहा है हमारा। बिल्कुल आप चीजों को समझिए, बहुत ही सरल है, ठीक है, व्यवस्थित क्रम में जब आप रखोगे, ये बिल्कुल लेटर आ गया ना भाई, हाँ
कोई समस्या नहीं होगी साथियों, तो बिल्कुल आप पढ़ेंगे समझेंगे। देखो दूसरा इसमें और है, देखो ये प्रश्न आता है इस तरह का, हम बिल्कुल बना के बता रहे हैं भाई, ऐसे उत्तर को नहीं बोलते। टी ए डी पी टी ई एन आर ई एम को व्यवस्थित क्रम में एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, तो दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा? देखो पहले तो आप इसको देखो ये क्या बनेगा, ये मेरे ख्याल से क्या बन सकता है भाई, डी ई पी ए आर टी, डी ई पी ए आर टी एम ई एन और टी, डिपार्टमेंट बनेगा क्या? बन जाएगा भाई डिपार्टमेंट। अब इसी डिपार्टमेंट को अच्छे से देखो, अब प्रश्न क्या कहता है, दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा? देखो भाई इधर से देखो, इधर जा रहे हो आप, ये बाएं हैं, ठीक है, मतलब बाएं से दाएं जा रहे हो, अब दाएं से बोल रहा है मतलब इधर से आपको लेना है, याद रखना भाई, मतलब आपको इधर से लेना है, लास्ट पीछे से जाना है आपको, ठीक है, इस वर्ड में। तो देखो पहला टी है और दूसरा अक्षर लेना है, टी के बाद क्या आ रहा है हमारा, एन आ रहा है, आ रहा है ना भाई, ये देखो टी एन आ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एन, ठीक है, तो डी इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है, तो एन आ जाएगा भाई यहाँ पर, समझ रहे हो ना, इस तरीके से प्रश्न आएंगे आपके, ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10, देखो ये जो प्रश्न है आपके, ठीक है, ये जो प्रश्न है 2019 में आपके चार प्रश्न बने हैं भाई, 2019 में चारों प्रश्नों को मैं बता रहा हूं, उसके बाद 2021 के प्रश्न को भी मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो 2019 का प्रश्न देखो निम्न अक्षर श्रेणी को कौन पूर्ण करेगा, ठीक है भाई, कौन पूर्ण करेगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो सी एक्स ओ, उसके बाद प्रश्न है, उसके बाद आई आर डी है, आपको देखो यहाँ पर क्रम देखना है, ठीक है ना, मतलब दो यहाँ पर रिक्त स्थान है, इन दोनों रिक्त स्थानों में आएगा, देखो ये सी ए बी सी क्रम में तीसरा, और वाई देखो जेड वाई एक्स ये क्रम में तीसरा मतलब एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है भाई, ये भी एक दूसरे के उल्टा है, तो ये भी आपका एक दूसरे के उल्टा होगा, समझ रहे हो ना। देखो अब यहां पर ओ, तो यहां पर देखो ओ मतलब कितना है भाई, 10 है, 10 है ना, ये ज्योति को याद रखो भाई, ओ मतलब 10, तो उधर से आपका ये स्थान क्या हो जाएगा भाई, प्रश्न क्रमांक 10 का, तो उधर से आपका स्थान क्या होगा, देखो भाई L, ठीक है ना, उधर से आपका स्थान L होगा, आप पूरा A B C D लिख लेना नीचे में, 1 2 3 4, बिल्कुल, तो ये इसका सही उत्तर आ जाएगा प्रश्न 10 का, ठीक है भाई, ये आ जाएगा, ठीक है। देखो A B C D चौथा स्थान है इसमें, और Z Y X W W, तो W चौथा स्थान आ गया, तो L W, दैट मीन्स C इसका सही उत्तर हो जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है भाई। चलो प्रश्न 11 देखो, इसमें निम्न अक्षर श्रेणी को कौन पूर्ण करेगा ये भी वैसा ही है, ठीक है, देखो ए बी वाई जेड, अब इसको दो दो का एक विपरीत क्रम बना हुआ है, ए बी वाई जेड जी एस एस टी, समझ रहे हो ना, उसके बाद एम एन, अब यहां पर एम एन आ रहा है, तो इसका क्या होगा 11 का, इसको भी आप चेक कर लोगे भाई अच्छे से, तो देखो एम एन ही आएगा है, 13 उसी के क्रम में बन रहा है ना यहां पर, तो यही चीज यहां पर आ जाएगा, सेम आ जाएगा भाई यहां, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखो 12वां प्रश्न,
ये भी, ये तीनों क्रम से आपके पेपर में आए हैं ना, याद रखेंगे भाई। निम्न अक्षर श्रेणी को कौन पूर्ण करेगा? देखो टी ए एम ई, देखो यहां टी ए एम ई और एस बी एल डी, इसका पहले आ रहा है एस, फिर टी आया, आ रहा है ना, उसके बाद ए इसमें आ गया, उसके बाद बी इसमें आ गया। देखो मैं पूर्ण करने की कोशिश कर रहा हूं भाई, है एस के बाद टी आ रहा है, तो आ रहा है ना, एस के बाद टी आ रहा है, ठीक है। अब उस तब क्यों क्या आएगा, देखो पी क्यू के बाद, यहां एस के बाद टी है, क्यू के बाद आर आएगा, यहां जो आर वाला होगा आपका उत्तर है। अब यहां पर ये आ सकता है और ये आ सकता है। अब दूसरा देखो, देखो यहां ए उसके बाद बी, तो सी उसके बाद डी आएगा, तो यहां आर सी वाला जो आएगा वो आपका उत्तर है। हाँ, दोनों में आर सी आ गया, ठीक है भाई, दोनों में आर सी आ गया, फिर के भी दोनों में आ गया। अब सी और डी में के भी आ जाएगा, चलो इसको ज्यादा करेंगे नहीं, तीनों में है, दोनों में ऑप्शन में है। अब देखो लास्ट को आपको गौर करना होगा, देखो डी के बाद ई आ रहा है, उसके बाद बी के बाद सी आ जाएगा, सी वाला कौन सा है रे, तो ये सी वाला, ये उत्तर सी आ जाएगा भाई, 12 का सी, ठीक है ना, सटीक है, सरल है, आप करोगे बहुत अच्छा है भाई, यदि आप कर लोगे आपका चयन होगा भाई बीएड और डीएड में, ठीक है। देखो 13 प्रश्न, निम्न अंकिक श्रेणी से विलुप्त अंक को ज्ञात करना है भाई आपको। अब विलुप्त अंकों को ये देखो, ये नहीं है आपका, ये अंक से रिलेटेड है भाई, इसमें ये वाला नहीं है आपका, ठीक है ना, तो तीन प्रश्न आपका है, ठीक है, 10, 11, 12 जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें देखो अभी ये वाला जो है ना आपका, इसमें भी है, ये 2019 का है, अभी हमने देखा 2021 का, और ये है आपका 2019 में भी आपके तीन प्रश्न, चार प्रश्न यहाँ बने हुए हैं भाई, तीन से चार प्रश्न बनते हैं प्रतिवर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर दो देखिए, ई एफ जी डब्ल्यू यू टी क्या आएगा आगे का क्रम। देखो अब ई एफ जी आ गया, ए बी सी डी, उसके ठीक बाद मतलब पीछे से चार के बाद, देखो आगे से चार के बाद छूटा है, ए बी सी डी छोड़ के ई एफ जी आ गया, ठीक वैसे ही पीछे से चार छोड़ के यहां पर लिखा है। अब यहां पर देखो एच आई जे लिखा है भाई, एच आई जे, तो ये क्या आएगा, क्यू आर एस, ये वाला आ जाएगा बी वाला उत्तर। इसको आप लाइन से लिखोगे ना ए बी सी डी, तो बिल्कुल सही उत्तर आते जाएगा भाई, पूरा ए का 1, B, C, 2, 3 ऐसे क्रम पूरा लिख लेना, नीचे में छोटा सा जगह रहता है उसमें आसानी से आपका छोटा सा आ जाएगा, ठीक है भाई, तो आ जाएगा। उसके बाद देखो ये वाला जो प्रश्न है दूसरा के बाद चौथा है आपका प्रश्न, तीसरा नहीं है, चौथा क्वेश्चन को देखो, ए सी ई वाई ए सी और बी डी एफ लिखा हुआ भाई, तो ए सी ई देख लो, ए सी ई, अब ये क्या है, ए एक छोड़ के बी छूट गया है, ए बी छोड़ के सी, डी छोड़ के ई, एक एक के अंतराल में ये बना है, और देखो ये भी वैसे बने वाई छोड़ के जेड, देखो वाई के बाद जेड छोड़ के ए, बी छोड़ के सी, बन गया है ना। देखो अब देखो यहां पर इसमें देखो बी छोड़ के बी के बाद सी छोड़ के डी, फिर ई छोड़ के एफ हुआ है ना, ठीक वैसे ही इसके जो ऑप्शन है आपको उसको पहचानना है, तो जेड देखो जेड के बाद ए छोड़ के बी और सी छोड़ के डी, ये सी वाला ऑप्शन इसका उत्तर आ जाएगा, समझ रहे हो ना भाई, बिल्कुल सहज सटीक हम लेके चल रहे हैं आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके वैसे ही मिलेंगे, चलिए ज़्यादा हम नहीं कराएंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको वही मिलेगा, इसमें अनुक्रम दिया हुआ है, इसको भी आप बस आपको ई ज्योति याद रखना है भाई, एक ए बी सी, अगर ई ज्योति नहीं है 1, 2, 3, 4 पूरा ए से जेड तक लिख लेंगे और नीचे में क्रम को लिख लेंगे, उसके बाद आप एक झटके में चुटकी बजा के उत्तर लाओगे, ठीक है साथियों, बिल्कुल आपको पैटर्न यदि पता चल गया ना तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, आपका रीजनिंग का जो वर्णमाला परीक्षण वाला टेस्ट है
वो काफ़ी अच्छे से जाएगा। ठीक है भाई, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। छत्तीसगढ़ प्री बी एड डी एल एड वाले दोनों साथी हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे डी एड की बात करो या बी एड की स्टडी की बात करूँ, तो दोनों साथी आशा है भाई इस वीडियो से उनकी वर्णमाला परीक्षण की जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो गए होंगे। देखिए कई साथी बोलेंगे कि सर इतना सरल आएगा क्या, पेपर को ही तो हम सॉल्व करवा रहे हैं साथियों, कठिन नहीं आएगा। आपके कठिन किस में आएंगे, SSC, बैंक, रेलवे, इस तरह के जो परीक्षाएं आयोजित होती है ना उसमें टफ आता है। ठीक है, कठिन उसमें आएगा, आपके इसमें कठिन नहीं आता, तो घबराने टेंशन लेने की बात नहीं है भाई। अगर आपको कुछ करना है तो वो टेंशन दो लो नहीं। ठीक है भाई, तो वर्णमाला परीक्षण क्लास 3 आज कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगले क्लास में हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।